हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक डिजिटल प्लेयर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा, मैं पहले क्रिप्टो को बहुत प्रमोट करता था और क्रिप्टो के बारे में सारी वीडियो बनाता था। फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि सिर्फ क्रिप्टो ही काफ़ी नहीं है एक डिजिटल प्लेयर बनना, या फिर ऑनलाइन तरीक़ों से पैसे कमाने के लिए सिर्फ क्रिप्टो ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारी स्किल्स पे और लर्निंग शुरू करी, जिससे मुझे पता चला कि दुनिया में क्रिप्टो के अलावा जहां और भी हैं। दोस्तों, एक क्विक मनी है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी तो आपकी अर्निंग और आपकी वर्थ खुद ब खुद अच्छी होगी। दोस्तों ऑनलाइन स्किल्स के लिए आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स में हर कोई अमेजोन, दराज और शॉपिफाई का आपको सजेशन देता है। दोस्तों, आजकल हर कोई आपको अमेजोन का कोर्स बेचने पर तुला हुआ है। दोस्तों, आजकल हर कोई आपको शॉपिफाई और दराज का कोर्स बेचने पर तुला हुआ है। दोस्तों हर कोई कह रहा है कि आप अमेजोन पे आओ, हर कोई कह रहा है आप दराज पे आओ, हर कोई कह रहा है शॉपिफाई पे आओ। दोस्तों, अगर आप कोई अपनी ऑनलाइन स्किल जनरेट करना चाह रहे हैं तो अपने ही नाम का ऑनलाइन स्टोर ओपन करें और उसकी डिजिटल मार्केटिंग करें, और जितनी आपकी रीच है वहाँ तक अपनी मार्केटिंग करें। क्योंकि आप ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे वो आपके अपनी मलकियत होगी, ना कि अमेजोन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ना कि दराज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ना कि शॉपिफाई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, आपकी अपनी ही मलकियत होगी, ठीक है, आप जैसा दिल चाहें उसको चला सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा इसको आप ये सोचें कि अगर आपका प्लेटफॉर्म एक्स वाई जेड के नाम से अगर मशहूर हो जाता है, एक वक्त में आपका प्लेटफॉर्म दराज जितना मशहूर हो जाता है, तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है। एक तो आपका प्लेटफॉर्म मशहूर हो जाएगा और प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने लगेंगी। फिर हम क्यों किसी और प्लेटफॉर्म के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन पर काम करें। दोस्तों, आपको मालूम है कि अमेजोन आपके जब पैसे उसमें $1,000-2,000 होते हैं, कोई भी मसला होता है वो भी रेस्ट्रिकेट कर लेता है, वो भी ब्लॉक कर लेता है। दोस्तों, ये मसला मेरे साथ दोस्तों के साथ आ चुका है, तो फिर हम क्यों अपना ही प्लेटफॉर्म ना बनाएं और उस पर अपनी वर्किंग करें। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो आपका प्लेटफॉर्म भी ग्रो हो सकता है। थोड़ा ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये हो सकता है। एक तो डिजिटल प्लेयर बनने के लिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, जिसमें मेरी राय है कि आप अमेजोन और दराज और शॉपिफाई और दूसरे जितने भी नून वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इनका हिस्सा ना बने, एक अपना पौधा लगाएं जो आप उसको ग्रो करें और उसको आपको मज़ा आए। दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि एक डिजिटल प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या स्किल हैं। लोग फाइवर और अपवर्क और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे भी अपनी डिजिटल स्किल सेल करते हैं। कोई वॉइस ओवर करता है, तो कोई अपनी वीडियो एडिटिंग करता है, कोई फोटोग्राफी करता है, इसी तरह बहुत सारे उसके अंदर स्किल्स होते हैं जिसमें वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। दोस्तों, उसमें भी आपके जितने प्लेटफॉर्म होते हैं वो अपनी फीस डिडक्ट करके आपकी पेमेंट 1 हफ्ता 15 दिन होल्ड करके आपको वापस देते हैं। दोस्तों, अगर आप उसी चीज़ के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें और आपकी जो स्किल है उसको डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे फेसबुक एड्स पे, टिकटॉक एड्स पे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, तो हो सकता है कि आपके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी आप एक कुएं का मेंढक बन जाते हैं, आप फाइवर और अपवर्क के मोहताज बन जाते हैं, तो इसमें भी आपका ही नुकसान है। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो अपना प्लेटफॉर्म बना के कर रहे हैं और आपने एक बार अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया, तो उसमें आपकी ग्रोथ बनिस्बत इन प्लेटफॉर्म की कुएं के मेंढक बनने से ज़्यादा है। दोस्तों इसी तरह जिस तरह YouTube है, हम YouTube को तो अभी कॉम्पिटेट नहीं कर सकते। दोस्तों, हम YouTube और जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ऑनलाइन अर्निंग प्रोवाइड करते हैं, हम उनको कॉम्पिटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना एक पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप में से किसी का भी एक पौधा जो उसने लगाया हो वो ग्रो कर गया, तो उसका रिटर्न 1000x ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत आप इन प्लेटफॉर्मों के कुओं के मेंढक बन के रह जाएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें क्रिप्टो में और ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर, और ये ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, इन चीज़ों में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। दोस्तों, इन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बाद भी आप किसी प्लेटफॉर्म का पूरा पक्का हिस्सा ना बन जाए, आप एक अपनी क्रिएशन मार्केट में रखनी है, ताकि अगर वो ग्रो हो जाए, ठीक है, ताकि अगर वो ग्रो हो जाए तो आपकी कामयाबी के चांस 1000% तक बढ़ जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि मेरा कोर्स खरीदो, मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो सोच लीजिए दोस्तों आपको करना क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मेज़बान आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक अपना, अपनी फैमिली का और अपनी ट्रेडिंग का, अपनी जितनी भी डिजिटल स्किल है उनका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।